नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। प्रभास इंडिया का पहला पैन इंडिया सुपरस्टार। फिल्म बाहुबली से प्रभास को पैन इंडिया सुपरस्टार का टाइटल मिला और ऑल ओवर इंडिया में इनके लिए ह्यूज क्रेज देखने को मिला। इतनी बड़ी सक्सेस उस समय तक शायद ही साउथ के किसी एक्टर को मिली हो। ऐसी सक्सेस की किसी इंडस्ट्री का एक औसत एक्टर सिर्फ अपनी इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि साउथ की चारों इंडस्ट्री के साथ साथ हिंदी बेल्ट में बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग रखने रख जाए। यहाँ प्रभास को लेकर मैंने औसत एक्टर इसलिए कहा है क्योंकि तेलुगु बॉक्स ऑफिस की हिस्ट्री बताती है कि बाहुबली के पहले तक प्रभास उतने बड़े स्टार नहीं थे। हालांकि ए लिस्ट स्टार्स में इनकी गिनती ज़रूर होती थी मगर फिर भी टॉप एक्टर्स की लीग में इन्हें जगह नहीं दी गई थी। लेकिन फिर बाहुबली ने प्रभास के लिए ऐसी सक्सेस स्टोरी लिखी कि इसके बाद ये इंडस्ट्री के टॉप एक्टर तो बने ही, साथ ही साथ अलग अलग इंडस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव फिल्में इनको लेकर बनाई जाने लगी। इन फिल्मों का बजट 400 से 500 करोड़ तक होने लगा। इवन प्रभास को भी 100 से 150 करोड़ तक की फीस दी जाने लगी और एक समय तक प्रभास इंडिया के सबसे ज़्यादा फीस चार्ज करने वाले एक्टर बन चुके थे। मेकर्स भी इस बात को अच्छे से जान चुके थे कि प्रभास को अपनी फिल्म में लेने का मतलब क्या है। प्रभास एक समय तक इकलौते एक्टर थे जो बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, मॉलीवुड और इवन सैंडलवुड में एक इम्पैक्टफुल प्रेजेंट रखते थे और इनको फिल्मों में कास्ट करने का मतलब यही था कि हर इंडस्ट्री से तगड़ी कमाई करके बाहुबली जैसी सक्सेस को दोबारा से दोहराया जा सके। इन ऑर्डर टू दैट प्रभास को साहो, राधेश्याम, आदि पुरुष, सलार, स्प्रिट और प्रोजेक्ट के जैसी बड़ी फिल्में ऑफर हुईं और प्रभास ने इन फिल्मों को साइन भी किया। दोस्तों किसी फिल्म का बजट है 300 करोड़, किसी का है 350 करोड़ और इवन कुछ फिल्मों का बजट तो 500 करोड़ भी है। दोस्तों प्रभास की फिल्मोग्राफी में इतनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं कि अगर इनका बजट जोड़ दें तो एक तरफ प्रभास की फिल्में वहीं दूसरी तरफ बाकी फिल्में रहेंगी। लेकिन कहते हैं जितना बड़ा स्टार उतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन, और खासकर जब बाहुबली ने स्टैंडर्ड सेट करके रखा हो तो फिर उस एक्सपेक्टेशन को मैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन यही हुआ भी, प्रभास बाहुबली वाली सक्सेस को अपनी फर्दर फिल्मों में मेंटेन नहीं रख पाए। नतीजन इनके 350 करोड़ के बजट में बनाए गए साहो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। ये डार्लिंग स्टार प्रभास के लिए एक बड़ा झटका था। फिल्म का विजन तो सही था लेकिन बात पूरी तरह से बन नहीं पाई। हालांकि तेलुगु बॉक्स ऑफिस में ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही लेकिन हिंदी बेल्ट में इस फिल्म ने अपने ब्रेक इवन पॉइंट को पार किया। इससे इतना तो प्रूव हुआ कि हिंदी ऑडियंस प्रभास को देखना चाहती है। खैर इसके 2.5 सालों के बाद प्रभास ने साल 2022 में राधे श्याम से अपनी वापसी करी। सही मायने में इस फिल्म ने प्रभास के उठते हुए ग्राफ को कम करने का काम किया। फिल्म इतनी बुरी तरह से पिटी कि फिर क्या हिंदी बेल्ट और क्या साउथ, फिल्म को किसी भी इंडस्ट्री से साथ नहीं मिला। दोस्तों ये फिल्म अच्छी बन नहीं पाई थी और प्रभास ने इस फिल्म को साइन क्यों करा ये ट्रेड पंडितों के सर के ऊपर से निकल गया। 300 से 350 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 200 करोड़ पर सिमट गई। फिल्म के साथ साथ प्रभास की एक्टिंग, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और उनके डायलॉग डिलीवरी को खूब क्रिटिसाइज किया गया। यहाँ से ये साबित होता है कि एक अच्छा डायरेक्टर ही एक्टर से अच्छी एक्टिंग करवा सकता है। कहाँ बाहुबली और कहाँ राधे श्याम। प्रभास को बाहुबली के बाद अब तक दो बड़े झटके मिल चुके हैं। दोस्तों जिस तरह दो बॉल्स पर लगातार सिक्सर खाने के बाद बॉलर थोड़ा सकपका जाता है, ठीक उसी तरह दो लगातार फ्लॉप के बाद तीसरी फिल्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे में प्रभास की तीसरी फिल्म बनकर आ रही है आदि पुरुष। दोस्तों फिल्म का बजट है 500 करोड़। आपका ये फिल्म 5 सालों के बाद प्रभास को सक्सेसफुल कमबैक दे पाने में कामयाब होगी या फिर ये फिल्म फ्लॉप फिल्मों की हैट्रिक लगाने वाली है। दोस्तों एक्चुअल में ये फिल्म बड़ा सवाल है। मैं पर्सनली ऐसा चाहता हूँ कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दे, सिर्फ प्रभास के लिए ही नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि ये फिल्म हमारे रामायण पर बेस्ड है। दोस्तों हम सभी ने एक लंबा वक्त बिताया है रामायण पर एक फुल फ्लैश फिल्म देखने के लिए। जब से ये फिल्म अनाउंस हुई थी और हमें पता चला था कि इस फिल्म में प्रभास भगवान राम का रोल प्ले करने वाले हैं, तब से हम इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। खासकर जब डायरेक्टर ओम राउत का नाम इस फिल्म के साथ जुड़ा हो तो एक्साइटमेंट खुद ब खुद और बढ़ जाती है। ये एकदम ऐसा था कि चलो फाइनली प्रभास को अब कम से कम एक अच्छे डायरेक्टर का साथ मिला। डायरेक्टर ओम राउत ने तानाजी से अपने क्राफ्ट का एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा था। बाहुबली वाला हीरो, तानाजी का डायरेक्टर और रामायण पर एक फुल फ्लैश्ड फिल्म, ये फिल्म की एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए बहुत काफ़ी था। लेकिन फिर ऐसे में रिलीज होता है आदि पुरुष का टीज़र।
दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री के इतिहास में पहली बार किसी फिल्म का टीज़र ऐसा निकल कर आया जिसने अपनी फिल्म के अगेंस्ट में काम किया। इस टीज़र ने गरमाए हुए माहौल को पूरी तरह से ठंडा कर दिया। जिसे अब तक हम एक फुल फ्लेज्ड लाइव एक्शन फिल्म समझ रहे थे, उसके टीज़र में दिखाए गए कुछ सीन एनिमेटेड लगे। फिल्म के प्रशंसक एकदम से इस फिल्म के अगेंस्ट में हो गए। टीज़र को इतना तक क्रिटिसाइज किया गया कि मेकर्स को सामने आकर इसे ठीक करने का आश्वासन देना पड़ा। मेकर्स ने बहुत सारा पैसा और वक्त लगाकर इसे ठीक करने का प्रयास किया। दोस्तों, जैसा कि मेकर्स ने इस फिल्म के थ्रू एक विजुअल ट्रीट देने का वादा किया था, और ये फिल्म 3D में भी है, इसलिए हो सकता है कि टीज़र में ये सारी चीज़ें उभर कर ना आ पाई हों। बहरहाल, जैसे जैसे ये फिल्म रिलीज की ओर आगे बढ़ती जा रही है, इसने फिर उसी तरह का माहौल क्रिएट कर दिया है। दोस्तों, ऐसे में फिल्म के गानों ने भी अहम भूमिका निभाई है। फिर चाहे वो जय श्री राम हो, तू है शीतल धारा हो, या फिर माई फेवरेट राम सिया राम हो, अजय अतुल और सचेत परंपरा ने इस फिल्म का म्यूजिक वाकई में बहुत बढ़िया तैयार किया है, और बैकग्राउंड स्कोर भी ऐसा है जो आपके गूज़बम्प्स ला सकता है। इसके डायलॉग भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं, और खासकर शरद केलकर की आवाज़ प्रभास पर काफ़ी जच रही है। इन सब चीज़ों के बीच रिलीज होता है फिल्म का ट्रेलर 1 और ट्रेलर 2। ये दोनों ट्रेलर इतने शानदार निकल कर आए कि ऑडियंस टीज़र की हुई गलतियों को पूरी तरह से भूल गई। मेरी एक्सपेक्टेशन फिर से उसी लेवल पर पहुंच गई, एंड आई गेस पूरे भारत की। यही वजह है कि फिल्म की एडवांस बुकिंग बहुत ही तगड़ी निकल कर आई है। कल के दिन ये फिल्म रिलीज हो रही है और माहौल पूरी तरह से सेट है। चूँकि ये पूरी तरह से एक बॉलीवुड की फिल्म है, इसलिए आप ये मान के चलिए फिल्म का डे 1 जो 100 से 120 करोड़ प्लस निकल कर आने वाला है, ये काफ़ी लंबे समय तक एक रिकॉर्ड के रूप में जाना जाएगा। डार्लिंग स्टार प्रभास को अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए होड़ क्यों लगी रहती थी, वो चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रूव हो रही है। दोस्तों, फिल्म का बज हिंदी बेल्ट के साथ साथ तेलुगु स्टेट में काफ़ी तगड़ा है, और यही तेलुगु बॉक्स ऑफिस फिगर ही हैं जो फिल्म के डे 1 कलेक्शन को 100 करोड़ प्लस लेकर जाएंगे। प्रभास को अपनी फिल्म में कास्ट करने का फायदा यहां पर पूरी तरह से सिद्ध होने वाला है। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि आदि पुरुष इस फिल्म के जरिए एक बड़ी सक्सेस स्टोरी लिखने जा रही है, ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसके जरिए प्रभास को एक तगड़ा कमबैक मिलेगा। इसके बाद प्रभास की फिल्म सलार सितंबर में रिलीज़ होगी, जिसका इम्पैक्ट तेलुगु इंडस्ट्री, कन्नड़ा इंडस्ट्री और हिंदी बेल्ट में बहुत ही तगड़ा रहने वाला है। KGF फेम डायरेक्टर प्रशांत नील की ये फिल्म है, इसलिए आप मान के चलिए ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा परफॉर्म करेगी। इन शॉर्ट, प्रभास के लिए ये साल मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा एक स्पेशल वीडियो। आप आदि पुरुष के लिए कितना एक्साइटेड हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।